जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को उड़ा ट्रेनिंग विमान आज चांडिल डैम की गहराइयों से भारतीय सेना ने निकाल लिया है। ये अल्केमिस्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जमशेदपुर से सुबह 10:30 बजे उड़ा था, जिसमें 2 पायलट थे जो मात्र 4 घंटे आसमान में उड़ने के बाद ही रडायर से गायब हो गए थे, जिसे दलमा के जंगल और पहाड़ियों पर खोजा गया था। फिर एक दिन बाद एक मछुआरे द्वारा स्नान क्रिया के समय देखे जाने पर मिले संकेत पर चांडिल डैम में खोजबीन की गई, जहां सबसे पहले एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने खोजबीन की। जब सफलता नहीं मिली तो नेवी को निमंत्रण दिया गया और तीसरे दिन नेवी ने कमान संभाली। फिर अचानक तीसरे दिन एक पायलट का शव पानी पर तैरता मिला। फिर चौथे दिन दूसरे पायलट का शव भी पानी में मिला, जिसकी पहचान के बाद एयरक्राफ्ट को खोजने की कवायद शुरू की गई और नेवी को पता चला कि एयरक्राफ्ट नीचे पानी में घुस गया है। तब जाकर 3 दिन की मेहनत के बाद रात लगभग 9 बजे एक बड़े गुब्बारे की मदद से उसे बाहर निकाला गया, जहां नेवी के जवानों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। चांडिल के सीईओ अमित कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ और नेवी की 15 सदस्य टीम विमान को निकालने में लगी हुई है। ये विमान 20 अगस्त को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ा था और उसमें डिप्टी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता सवार थे। बारिश में भी डट कर मुकाबला करते हुए जो नेवल के जवान हैं वो उसको लेके आए किनारे। समय लगा थोड़ा सा क्योंकि बोट की जो स्थिति है और रास्ते की रुकावट हो सकती है, तो हिंड्रेंस नहीं है, धीरे धीरे आया, लेकिन बहुत अच्छे से आया। कितना यहाँ तो 6-7 घंटे तो लगते रहे, जब से शुरू हुआ है तब से धीरे धीरे करते हुए 7 घंटे। वहीं पूर्व सैनिक ने कहा कि बड़ा टास्क था, जिसे धीरे धीरे परिस्थिति को देखते हुए समझते हुए कई उपकरण की मदद से बाहर निकाला गया है, जो भारतीय सेना की उपलब्धि है। ये एयरक्राफ्ट विगत 20 तारीख को के दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पहले तो इसको उम्मीद लगाया जा रहा था कि कहीं जमीन में गिर गया होगा, क्रैश हो गया होगा, लेकिन स्थानीय लोग जो उस समय नहा रहे थे या फिशिंग कर रहे थे, उन लोगों ने देखा था कि एयरक्राफ्ट गिरते हुए पाया गया है। उसके बाद से इस लेवल पर इसका छानबीन शुरू हुआ, एनडीआरएफ की टीम जो है सर्च करना शुरू की। उसके बाद भारतीय नौसेना को खबर हुआ और भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम से गोताखोर और सर्वे टीम के लोग वहां से भुवनेश्वर आए, भुवनेश्वर से जहाज से रांची आए, रांची से आने के बाद सुबह यहां पहुंचे और उसके बाद अगले दिन से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिए। पहले एयरक्राफ्ट को सर्च करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमारे नौसैनिकों के पास जो सर्वे टीम थी उनके पास सोनार सिस्टम था, जिसके द्वारा इसको ट्रैक किया गया और इसका लोकेशन पता चला। उस लोकेशन पर मार्क करके हम लोग, चूंकि अंधेरा हो रहा था उस दिन, छोड़ दिया गया था। आज सुबह 10 बजे हम लोग साल्वेज बैग के साथ टीम गई और साल्वेज बैग को जा करके एयरक्राफ्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बांधा गया और ऊपर से हवा भरने का काम किया गया, जिसके बाद जैसे साल्वेज बैग ऊपर आया वो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करके ऊपर लेके आया। और चूंकि एयरक्राफ्ट का जो बॉटम था उसको कम से कम 25 फीट से ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तो पूरे रास्ते में हम लोगों ने उसका डेप्थ को मेजर करते हुए बोट का रूट हम लोग तय करते थे। जहाँ लगता था कि डेप्थ कम है उस एरिया को छोड़ते थे और दूसरे डीप एंड की तरफ जाते थे। और इस तरह से ये ऑपरेशन धीरे धीरे, मैंने काफ़ी समय लग गया आने के लिए और हम लोग को ये जरूरी था कि सेफ्टी से आना है, क्योंकि नीचे कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, वो भी दिक्कत होती है। इसलिए किसी भी तरह से सही सलामत एयरक्राफ्ट को लेके आना था और आज भारतीय नौसेना के गोताखोर एवं टीम इस काम को करने में सफल रही और हम सब इसके चतुर्थी गवाह बने। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि हमारी भारतीय सेना काबिल है और हर विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए सक्षम है। इस मामले में अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड पर कैप्टन के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि 20 अगस्त को सुबह के वक्त विमान का एटीएस से संपर्क टूटा था, लेकिन एविएशन प्रबंधन ने घंटों बाद उनकी जानकारी जिला प्रशासन को दी थी। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।